नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा अतीत भाग 2 के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 9 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 10वां और लास्ट चैप्टर है। ठीक, इससे पहले हम लोग बता दें आप लोगों को कि एनसीईआरटी की हम लोग कक्षा 6वीं की 4 बुक्स देख चुके हैं। पहली थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, दूसरी थी हमारा अतीत फर्स्ट, तीसरी थी पृथ्वी हमारा आवास, और फिर थी उसके बाद विज्ञान। ये 4 ही हमें कक्षा 6वीं की बुक्स देखनी थी, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम लोगों ने बात की थी कक्षा 7वीं की, तो इसमें एक बुक हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। तो ये हमारी है हमारा अतीत, इसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे हमारा पर्यावरण के बारे में, उसके बाद हम लोग विज्ञान के बारे में। इसी तरह हम लोग कक्षा 12वीं तक की सभी बुक्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें देखेंगे। तो 10वां चैप्टर है, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलती हैं। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। ये आपका 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन, भोपाल हो गया, गुजरात से या इससे के जाट, अवध, मराठा, बंगाल, हैदराबाद, आपका ये ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुके थे। इससे कलकत्ता, बिहार, पटना, मुर्शिदाबाद, बंगाल, ढाका और यहाँ उत्तरी सरकार, सिख हो गए, राजपूत, मराठा, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तब से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 से पहले की बात है लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अफसर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इसे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के बारे में के भार के विरोध किए गए थे।
और कभी कभी एक शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में दो फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बने रहते थे। जैसे ही स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता, इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया चुका कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशक्त सेना कैसे रख सकते जिनकी उनसे आशा की जाती है। वे अपने अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते, पैसे कहाँ से देंगे? इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तंता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्त ए हाउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। यह आपका नादिर शाह का एक चित्र, जो कभी मालिक थे और बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों में से खींच कर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब वे नंगे घूमने लगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाह जहानाबाद मलबे का ढेर बन गया है। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल वास्ता है, इनसे एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल वासाए फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दोनों अन्य वासाओं अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। बात करते हैं नए राज्यों का उदय।
मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है, अवध, बंगाल व हैदराबाद। जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे, उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में पतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें से कई राजपूत विदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठे, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और उन्होंने कड़े और लंबे सशक्त संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फरोख बात करते हैं पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सहादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल और आसफ जाह ए हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाह को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6 हजार था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये रहा आपका 1724 से 1748 के बीच, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कारोबार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ये दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही इति स्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हस्तियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती है। मुगल बादशाह तो केवल निजाम और मुल्क आसफ जान द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया कर देते। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरोध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्तु उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज हैदराबाद के निजाम की निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790 में, निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी, उसके पास कई हजार घुड़सवार, इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का संकेतक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। फिर आता है आपका अवध राज। बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में
फैला हुआ था। उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से वो होकर गुजरता था। बुरहान और मुल्क ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्तादाता बन गया। बुरहान और मुल्क ने अवध के क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला लिया। यह है आपका बुरहान मुल्क। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकार महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने, उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल और धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के पिति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य का राजस्व प्रशासन अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया गया। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध थे, वह अली वर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिए। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। अली वर्दी खान का दरबार। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनके कुछ उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, ये भी बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहस्पद थे, जो उन्हें उत्तराधिकार में विशेष में मिले थे। विशेषता में जमींदार जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर दिए। इजारेदारी की प्रथा, जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वर्डिक वर्डिक
जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के करिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनंजय साहूकार और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। अब बात करते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवा करते। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों का पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार को की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया। उन्होंने अपने बतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। याद रखना है मेवाड़। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, चित्तौड़ का किला है राजस्थान में, संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़ के किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जलाय निकाय भी हैं। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। ये जयपुर में जंतर मंतर है। अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जबलपुर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण थे। तो याद रखना ये आपके किसने बनवाई थी, अंबेर के राजा थे सवाई जयसिंह। कहाँ था? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। ठीक है, याद रखना आप। ये आपका मेहरगढ़ का किला है जोधपुर। बात करते हैं आजादी हासिल करना।
सिख अध्याय आप 8 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। से पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाली सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाओं दल खालसा कहलाती। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। महाराजा रणजीत सिंह की तलवारें हैं, देख लीजिए। 10वें गुरु गोविंद सिंह। अंतर्गत किसानों ने उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर पहले उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उसके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सर हिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के का पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। शिवाजी का रूपचित्र। 17वीं सदी के अंत तक दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई जिससे अंततः मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। इनके पिता थे शाहजी और जीजाबाई इनकी माँ थी। अपनी माता और अभिभावक दादा कौंड देव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजयपथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे में उन्हें मावला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया गया जिसे उनके क्षेत्र विस्तार का पद प्रशस्त किया। बीजापुर मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरेला युद्धों कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैलते हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न इलाकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह थे ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब आता है आपका मराठा राज्य। ये आपका मराठा की पूरी कहानी है शिवाजी। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार के हाथ में रही
जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हों के शासन काल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे, पुणे मराठा राज्य की राजधानी बने गया था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल और सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंदी इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगल से छीन ली गई। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्षिण प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी आखिर क्या होते हैं। चौथ जमींदारों द्वारा वसूल जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10%। आगे बात करते हैं 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। फिर उत्तर में राजस्थान पंजाब, पूर्व में बंगाल उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु एवं तेलुगु विदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उनके भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडारण तो मिला ही, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई और अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी 1761 में, इनमें मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतरीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहन किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा ने मराठा अभियानों से ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंची। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर आपका होलकर के आसर में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रण इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहान पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद पार मराठा राज्य का विस्तार का श्रेय प्राप्त है। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। बाजीराव प्रथम। बात करते हैं जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन
नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट आपके समृद्ध कह सकते हैं, उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। यहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाए। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची थी, जिन्होंने 1756 से 1763 भरतपुर जाट राज्य को संगठित आधुनिक राजस्थान में किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थी। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बनी सबसे मजबूत किलों में से एक था। 18वीं शताब्दी का दीप का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुम्बद पर गौर करें। यह आपका 18वीं शताब्दी का दिनका राजमहल समूह। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों की चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों, पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों की सामाजिक योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनके यह भी मानना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए, जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलन ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में से जड़ पकड़ी। तो ये आपका 10वां चैप्टर खत्म। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हुए अभ्यास के लिए देखिए। इसमें आपने सूबेदारी देखी है, दल खालसा देखा है, मिसल देखिए, फौजदारी देखिए, इजारी दारी देखिए, चौक सर देशमुख ही होता है, क्या देखा। ठीक, ये आपके कुछ और महत्वपूर्ण, इसकी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ये था आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक जो गठन हुए थे उनके बारे में। तो ये आपकी हमारा अतीत भाग दो के नाम से जो बुक्स थी आपकी कक्षा 7वीं की, वो खत्म हो गई। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे NCERT कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।